भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2024 से सभी चेक पोस्टों को बंद कर दिया है और प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ शासन के क्रियान्वयन को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मैं भी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी, सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी।